वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। बहुत अच्छी जॉब लाया आज आपके लिए, तो ध्यान से सुनना लास्ट तक, ठीक है? लास्ट तक सुनो और अच्छे से ध्यान देना, पहले समझना सोचना, उसके बाद ही कमेंट करना या अपनी सीवी भेजना, ठीक है? क्योंकि ये जॉब में आपको चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम चार्जेस है, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक पहुँचे, जिनकी भी ये रिक्वायरमेंट होंगी वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो अल मजाया होल्डिंग है, ठीक है? अल मजाया होल्डिंग है दुबई में, आप गूगल कर सकते हो। ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इनके पास रिक्वायरमेंट आई है। तो ये रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, इसमें आपकी क्या सैलरी होने वाली है, इसमें आपकी क्या सैलरी होने वाली है और कितना चार्जेस देना पड़ेगा और क्या क्या कंडीशन है, सारी डिटेल्स मैं दूंगा। तो बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को, पहले आप समझना, उसके बाद ही एक तो कमेंट करना या मुझे सीवी सेंड करना, ठीक है? तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मैं नई जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो अलमजाया होल्डिंग है दोस्तों, इनके पास जो वैकेंसीज है वो इलेक्ट्रिशियन 15 है जिनकी सैलरी 4000 दिरहम तक होने वाली है, और ट्रक ड्राइवर 10 है जिनकी सैलरी 4000 दिरहम होने वाली है, और जनरल हेल्पर है इनकी भी सैलरी 2500 दिरहम तक हो सकती है, और कारपेंटर है 5, कारपेंटर भी है इनकी भी सैलरी 3000 दिरहम तक हो सकती है, और अकाउंटेंट है उनकी सैलरी 5000 दिरहम तक हो सकती है, और सिक्योरिटी गार्ड उनकी सैलरी भी 3000 दिरहम तक हो सकती है। तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, और ड्राइविंग का मैं बता रहा हूँ, जिनके पास इंडिया लाइसेंस भी होगा ना ट्रक का, वो भी अप्लाई कर सकता है, करके देखना। अगर कंपनी सेलेक्ट कर लेती है आपको तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कंपनी आपको ये जो सैलरी मैंने बताया हूँ इसमें शायद आपका फूड भी इंक्लूड होगा, बाकी जितने भी बेनिफिट है सब उसी में इंक्लूड होंगे। तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? कंपनी जब आपसे इंटरव्यू करेगी तो कंपनी से आप खुद पूछ लेना सैलरी क्या है, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, कंपनी से आप खुद पूछना, और आपका इंटरव्यू मोबाइल या स्काइप के द्वारा होगा, ठीक है दोस्तों? तो इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते, जो जो मैंने कैटेगरी बताया हूँ वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में कैटेगरी लिख दूंगा, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, और जिनके पास ट्रक ड्राइवर इंडिया का भी लाइसेंस होगा वो भी अप्लाई करके देख लेना कि इसमें क्या क्या सैलरी है, ठीक है दोस्तों? तो अलमजाया होल्डिंग है कंस्ट्रक्शन कंपनी, और मैं बता दूँ इसमें आपको चार्जेस भी लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40,000 तक चार्जेस लगेंगे इसके, ठीक है? तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई ऐसे करना है कि डिस्क्रिप्शन में, और एज बताता हूँ मैं आपको, एज 40 ईयर से ज़्यादा के एज वाले नहीं होना, ठीक है? जो 40 के अंदर है वही अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों? 40 के अंदर वाले ही अप्लाई करना, 40 के से जो ज़्यादा है वो अप्लाई नहीं करना, ठीक है? तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है और व्हाट्सअप नंबर भी है, आप सेंड कर दो, मैं आपकी सीवी आगे पहुंचा दूंगा। अगर उनने आपको सेलेक्ट कर लिया है तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद मैं आपको नंबर दूंगा जिस ऑफिस का, आप उस ऑफिस में जाके पासपोर्ट सबमिट कर देना, ठीक है दोस्तों? तो चलो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, और जिनको ये वीडियो फेक लगता है वो तो दूर ही रहे, ठीक है? लोग डिमांड लेटर मांगते हैं, मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं हूँ जो मेरे को कोई डिमांड लेटर आएगा, ठीक है दोस्तों? मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझको डायरेक्ट ही आता है, ठीक है? डिमांड लेटर जो कंसल्टेंसी होते हैं उनको डिमांड लेटर आता है, ठीक है ना? और जब उनको डिमांड लेटर आता है तो उनको टैक्स भी पे करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, इसलिए वो लोग चार्जेस ज़्यादा मांगते हैं। तो मैं आपके लिए वही ऑफिस ढूंढ के लाता हूँ जो कम से कम चार्जेस करे। तो इसमें आपको बता रहा हूँ 35,000 या 40,000 आपको लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, कम भी हो सकता है, अगर ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा की मांग करेगा तो ये जॉब छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आज लोगों तक पहुँच जाए, और इसकी रिक्वायरमेंट जल्दी है, ठीक है? आप जितना शेयर करोगे उतना दोस्तों के लिए अच्छा होगा और भाइयों के लिए अच्छा होगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।